ठीक है जी, अब हम वांडरवाल इक्वेशन करेंगे, जिसे हम रियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। कल हमने ये देखा कि आइडल तो कोई होता नहीं है, रियल ही होता है, रियल वर्ल्ड में हम जी रहे हैं। ठीक है जी, तो गैसेस कैसे रियल हो सकती हैं, आइडियल हो सकती हैं। अगर बेटे रियल गैस को आइडल गैस में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास यही कंडीशन है, हम प्रेशर बहुत ज्यादा लो कर दें और टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई कर दे। आप सोचो, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो करोगे तो गैसेस, सॉरी, प्रेशर लो करोगे तो गैसेस दूर दूर चली जाएंगी, टेम्परेचर हाई करोगे तो गैसेस बहुत ही दूर चली जाएंगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, तब एक काइनेटिक गैस थ्योरी होती है, उसके दो पॉइंट्स बिल्कुल सक्सेस हो जाएंगे कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। ऑब्वियस सी बात है, जब आप बेटे हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर कर दोगे, मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाएंगे, एटम्स दूर दूर चले जाएंगे, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम मानेंगे कि बिल्कुल नहीं है, नेग्लिजिबल है, सभी मान सकते हैं, तब वो आइडियल बन जाएंगे। प्रेशर क्या तो गैस किसका प्रेशर इंक्रीज होगा? गैस को मैंने बड़े सारे एरिया में डाला हुआ है, खुला छोड़ दिया, खुद का अध्ययन करने के लिए। हाँ बिल्कुल, प्रेशर बेटे एरिया भी बढ़ा दो ना, एरिया इंक्रीज कर दो, एक यूनिट एरिया में मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे तो उनका प्रेशर कैसे इंक्रीज हो जाएगा? नहीं, बात है कि नहीं है? अगर एक यूनिट एरिया में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे और प्रेशर डिक्रीज करोगे तो मॉलिक्यूल्स उतने रह जाएंगे, उतने रह जाएंगे, उतने रह जाएंगे। अगर बेटे मैंने उसका बिल्कुल पिस्टन लेस कर दिया एनवायरनमेंट, अगर आप प्रेशर को लो करोगे टेम्परेचर, वो तो दूर दूर भाग जाएंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाएंगे, एक यूनिट एरिया में तो बहुत कम रह जाएंगे, तभी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी उनमें, तभी हम ये कहेंगे काइनेटिक थ्योरी के जो दो पोस्टुलेट्स हैं कि एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है और दूसरा कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई गैस भी नेग्लिजिबल है, तभी वो आइडली बिहेव करती है। पर एक्चुअली अगर रियल गैसेस को देखा जाए, ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है और ना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस नेग्लिजिबल है, उसको भी आप छोड़ नहीं सकते। तो इन दो पोस्टुलेट्स की काइनेटिक एनर्जी को हमने निग्लेक्ट करने के लिए हमने रियल गैस इक्वेशन बनाई। ठीक है जी, रियल गैस इक्वेशन बनाई, रियल गैस ने, क्योंकि देखो आइडियल गैस है PV इज इक्वल टू एन आर टी, और PV इज इक्वल टू आर टी जब आप 1 मोल लेते हो। ठीक है जी, ओके। अब जो रियल गैस आएगी वो ये इक्वेशन आएगी, ए ओवर बी स्क्वेर बी माइनस बी आर टी, अगर हम 1 मोल लें। हमें ये कहां से आगे समझाते हैं, लिख लो आप इसको, लिखो क्यों नहीं लिखोगे, वांडरवाल इक्वेशन आपको, वो आइडियल है, वो ये रियल गैस है, मतलब रियल, ये आइडियल गैस, हमारे हिसाब से गैस कैसे बिहेव करनी चाहिए, हमारी गैस गैस लो दी है, उसको हमने कंबाइन किया, हमारे हिसाब से गैस ऐसे बिहेव करनी चाहिए कि प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करोगे तो वो आर और टी के इक्वल आ जाना चाहिए, उनकी मल्टीप्लिकेशन के लिए। मगर जो रियल गैस है उसमें एक टर्म ऐड होगी ए ओवर वी स्क्वेयर, और वी में से एक टर्म माइनस होगी बी, जो होगा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। बेटे ये दोनों वॉन्डरवॉल, ये कांस्टेंट है, वी वॉल्यूम बताता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताता है। मुझे आगे बोलने दो, तो बेटे जैसे पढ़ाऊंगी आपको सब, ए बी का सिग्निफिकेंस क्या होता है, क्या अभी सब करेंगे, अभी हम धीरे धीरे नॉलेज लिया करो, कई उन्हें पहले पढ़ किया होता है, वो जल्दी जल्दी नॉलेज आते हैं। ठीक है जी।
हाँ देखो यार मैंने तंग करी है। अब पहले बेटे बी इजी है समझना, बी समझो, बी समझो। जब आइडियल गैस इक्वेशन दी है, जब आइडियल गैस इक्वेशन आई है तो समझोगे तो तभी समझ आएगी आपको, ध्यान से समझना। इन्होंने वॉल्यूम लिया ही नहीं, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ने ये कहा कि वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय गैस नेग्लिजिबल है, मगर वॉल्यूम तो कुछ है ना। मतलब वी में हम ये कह सकते हैं कि वो दोनों वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है गैस और वो एम्प्टी स्पेस भी है। बात समझो ध्यान से, ये समझ गई समझ आएगी। इसकी डेरिवेशन नहीं है, बस ये लिख देते हैं कि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है बी है। अब इस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को समझो कि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ये कैसे आएगा। बेटे देखो, उन्होंने कहा कि वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय गैस नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल है। उन्हें आइडियल में अकेला वी टर्म यूज करिए, मगर इस वी में जब हम रियल में गए तो हमने कहा कि इस वी में जो गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है वो भी है और जो खाली स्पेस है वो भी है। इस वी का मतलब ये है, पहले वी क्या था, सिर्फ खाली स्पेस, क्योंकि वॉल्यूम ऑक्यूपाई गैस तो है ही नहीं थी, गैस तो ऑक्यूपाई कर ही नहीं है आइडियल के हिसाब से, कि आइडियल के हिसाब से जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई गैस है ना वो निग्लिजिबल है, यही है ना। आइडियल ने ये कहा कि इस रूम में कोई बेंचेस ही नहीं है, जो वॉल्यूम है ना इस रूम का ही है। समझ आ रही है? पर एक्चुअली क्या है, वॉल्यूम इस रूम का भी है, इस बेंचेस का भी है। उसने इस वॉल्यूम की बात नहीं करी, पर उसमें है, उसमें है ना। तो जो उसने बात नहीं करी, अगर उस वॉल्यूम को हम निकाल दें जो उसने बात नहीं करी, तब ये आइडियल बनेगा ना। तो हमने माइनस बी क्या किया, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम जो था पर उसने बात नहीं करी, हाँ बेंचेस वाला। तो अगर हम माइनस बी कर दें तो ये रूम ही आ गया, तो ये रियल बनेगा, ये आइडियल बन गया। हाँ समझ आ रही है, पी वी आइडियल था, पर वी में हमें पता है कि काइनेटिक का ये चीज गलत है, काइनेटिक ने ये चीज गलत कही है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाई गैस नेग्लिजिबल है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय गैस है। आपने गलती कर ली, क्योंकि आपने गैस को लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे रखा, पर वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय गैस है, वो एक्सक्लूड किया हुआ है। अगर उसको हम माइनस बी करें वी में से, तो अकेले रूम का वॉल्यूम तब आएगा। हाँ यही समझ, समझाइए माइनस बी क्यों करते हैं, माइनस बी क्यों करते हैं, वो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है जो रियल आइडियल गैस ने हमें बताया ही नहीं था, क्योंकि हमें उसने ये बताया था कि वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय गैस इज नेग्लिजिबल। ठीक है जी, इतनी बात समझ आई। अब ये कह रही है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल, ये भी है ही नहीं है, पर हमें पता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस भी है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस ना हो तो गैस को लिक्विड में कैसे चेंज करें हम, अगर वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही ना हो तो गैस को हम लिक्विफाई कर ही नहीं सकते। आप कैसे कह सकते हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है, आप इसको इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे हो, आप इसको इंक्लूड करो। अब ये कहते हैं जी, जो गैसेस जब एक कंटेनर में हैं, टू टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल जो इनसाइड है और एक मॉलिक्यूल जो सरफेस के वॉल के पास है। टू टाइप्स के मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं, जो भी आप गैसेस जैसी भी लिए, आपने हाइड्रोजन गैस लिया या हीलियम गैस लिया, आपको पता क्या लिया आपने। ठीक है जी, अगर हाइड्रोजन गैस लिया है तो इट्स मॉलिक्यूल। हाँ जी, तो
वही तो मैं कह रही हूँ बेटे, दैट इज द हाईएस्ट टेम्परेचर। अब मैंने क्रिटिकल टेम्परेचर की बात नहीं करनी यहाँ पे। अब मैं एक्स्ट्रा बाद में पढ़ना, एक बॉयल्स टेम्परेचर होता है जब रियल गैसेस आइडियल बन जाती हैं, ये सुनना चाहते हो मेरे से? हाँ, बॉयल्स पॉइंट वो या बॉयल्स टेम्परेचर वो जब रियल गैसेस आइडियल बन जाती हैं, तो वो हाई टेम्परेचर होता है जिस जब एक रियल गैस एक आइडियल गैस बन जाती है। ठीक है जी, ओके जी। अब आपके टू टाइप्स के बेटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ओके। एक तो आपके वॉल के पास पड़े, एक जो मॉलिक्यूल इनसाइड पड़े। टू टाइप्स के मॉलिक्यूल हैं, जो बिल्कुल बेटे वॉल के पास पड़े हैं उनको ये जो अंदर वाले मॉलिक्यूल हैं इनके साथ इनका कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निग्लिजिबल बोला था, है कि नहीं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन जो ये मॉलिक्यूल अंदर खींच रहे हैं ना, ये इतना प्रेशर एग्जर्ट नहीं कर पा रहे जितना इसने करना है। बात समझ आ रही है? एक मॉलिक्यूल बाहर पड़ा है जो उसको बाकी अंदर वाले खींच रहे हैं, समझ गए? जो खींच रहे हैं वो उतना प्रेशर एग्जर्ट नहीं कर पाएगा जितना उसको करना चाहिए, समझ आ रही है? क्योंकि वो खींच रहे हैं। अब जो आइडियल है ना, उसने तो कहा ही नहीं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसने तो ये कंसेप्ट ही नहीं बताया कि कोई मॉलिक्यूल खींच भी रहे होंगे, क्योंकि उसके हिसाब से मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। पर एक्चुअली क्या होता है, ये जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है जो ये वाला मॉलिक्यूल वॉल के ऊपर, वो उतना कर नहीं पा रहा जितना उसको करना चाहिए, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि जो अंदर वाले मॉलिक्यूल है वो इसको अपनी तरफ खींच रहा है। बात समझ आई? क्योंकि इन दोनों मॉलिक्यूल में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होती जो काइनेटिक गैस थ्योरी ने हमें बोली है, तो इसने इसको खींचना नहीं था। बात समझ आई कुछ? ठीक है जी। काइनेटिक गैस थ्योरी ने कहा कि मॉलिक्यूल्स या एटम में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, नहीं होता, यही बोला। तो इसका मतलब जो ये पी बता रहे हैं, ये प्रेशर बता रहे हैं कि विदाउट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मगर रियल गैस ये कहती है जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो जो प्रेशर अप्लाई होना चाहिए वॉल्स ऑफ कंटेनर पे वो कम हो जाएगा, क्योंकि जो जो अंदर मॉलिक्यूल पड़े हैं वो खींच रहे हैं। अब टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है, एक तो बिल्कुल वॉल के ऊपर है, उसकी डेंसिटी के ऊपर भी प्रेशर डिपेंड करेगा, और जो मॉलिक्यूल उनको खींच रहे हैं उनकी डेंसिटी के ऊपर भी प्रेशर डिपेंड करेगा। आप सोचो, ये दीवार है, पहले तो इन्होंने बोल दिया कि एक आइडियल गैस इक्वेशन है, मैंने मॉलिक्यूल छोड़ दिए, ये सारे मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, वो पी आ गया। वो किसके कारण आया? इन जो प्रेशर लगा रहे हैं ना, मगर इन मॉलिक्यूल्स को जो दीवार के साथ लगे हुए हैं, इनको पीछे से कुछ मॉलिक्यूल खींच रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके साथ है इनकी, है ना? अब जो प्रेशर एग्जर्टेड वो कम हो जाएगा ना जितना लगना चाहिए, क्योंकि खींचने वाले हैं। मैं आपके हर एक स्टूडेंट के पीछे एक और स्टूडेंट खड़ा कर दूं, वो आपको खींच रहा, आप प्रेशर लगा रहे हो, वो आपको खींच रहा, तो प्रेशर कम नहीं लगेगा आप? बात समझ आई? ये क्या है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। अब प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड किया? एक जो मॉलिक्यूल प्रेशर लगा रहे हैं और दूसरा जो इनको खींच रहे हैं, तो दोनों की डेंसिटी के ऊपर डिपेंड किया ना प्रेशर। बात समझ आई? तो डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसे हम डेंसिटी का स्क्वायर बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों की डेंसिटी के ऊपर डिपेंड किया, एक जो लगा रहे हैं एक जो खींच रहे हैं। अब मास तो वही है, कांस्टेंट है, एक ही गैस है,
तो m की जगह पे हम a कांस्टेंट ले आए और v क्या है, वॉल्यूम का स्क्वायर। अब इस टर्म को हमने क्या किया, प्लस किया, उस टर्म को क्या किया था, माइनस किया, क्योंकि इस टर्म में रियल आइडियल गैस ने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करी नहीं है। अगर आपने आइडियल गैस को रियल गैस में कन्वर्ट करना है तो प्रेशर उतना लगता नहीं है जितना लगना चाहिए। जो आइडियल गैस पी की बात कर रही है वो इतना लग नहीं रहा, समझ आ रही है, क्योंकि उसको खींचने वाले बहुत हैं। तो आप कुछ टर्म ऐड करोगे तभी ये आइडियल बनेगी। बेटे देखो ये रियल है, ठीक है, ये रियल है। ये रियल कब बनी, जब इसमें कुछ ऐड करते हो ना तो ये आइडली बिहेव करेगी। ये आइडियल है, ये आइडियल जब आइडियल कंडीशन देखते हो जो कि लो प्रेशर है। मगर अगर आप असल में जो आपका आंसर आएगा वो इसके अकॉर्डिंगली आएगा, ठीक है। तो हम इसमें क्या टर्म ऐड करें जो एक्चुअल आंसर आए हमारे, या क्या टर्म सब्ट्रैक्ट करें जो एक्चुअल आंसर आए। पी में हम ऐसा क्या ऐड करें जो एक्चुअल पी की वैल्यू आए। पी में क्योंकि मैंने ये बता दिया ये स्टूडेंट आइडियल है क्योंकि ये हर चीज कहना मानता है, इसके 100 out of 100 आते हैं, ठीक है जी, और हर टीचर का कहना मानता है, ये मेरा आइडियल सॉल्यूशन स्टूडेंट है। पर मुझे पता है इसके 100 नहीं आते, इसके 80 आते हैं, तो मैंने +20 कर दिया उसका। तो आपके सामने डिपिक्ट हुआ कि हाँ इसके 100 आ गए, समझ आ रही है। प्रेशर हमें देखने से इतना लगता है पर प्रेशर एक्चुअली लग कितना रहा है, वो कम लग रहा है क्योंकि उसको खींचने वाले बैठे हैं, तो वो हमने उतना हमने ऐड कर दिया बीच में, उतनी डेंसिटी हमने ऐड कर दी। गॉट द पॉइंट, ठीक है जी। तो ये रियल गैस इक्वेशन जो रियल है, ये वांडरवॉल कांस्टेंट आते हैं ए और बी, इनको भी देख लें बीच बीच में, ठीक है। तो ए क्या बताता है, ए हमें अट्रैक्टिव फोर्सेस का बताया और बी कांस्टेंट ने क्या बताया, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम के बारे में यही बताया हमने, समझ आ रही है। ए वॉन्ट, ये दोनों वांडरवॉल कांस्टेंट है, आगे आपको सिग्निफिकेंस ऑफ वांडरवॉल कांस्टेंट आता है ए एंड बी, और इस पे हम आपको पेट क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ ए, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ बी, ठीक है जी। तो ए इज अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन गैसेस, ठीक है, एंड बी इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। बी क्या है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। हायर द वैल्यू ऑफ ए इजली द गैस कैन बी लिक्विफाइड, ऑब्वियसली जितने ज्यादा ए क्या बता रहा है हमें, हाँ ये सिग्निफिकेंस है, और आपको हमने पूछना है कि किसकी ए की वैल्यू ज्यादा होगी, अमोनिया की कि नाइट्रोजन की, ऐसे क्वेश्चन पूछने हमने आपसे। हम बताते हैं अभी, वो भी कैसे पता चलेगा, हम किस लिए, हम बताने के लिए हैं आपको। बेटे ए, ए किस लिए लेके आए, ए कब लेके आए, जब हमने कहा कि कुछ खींच रहा है अट्रैक्टिव, क्योंकि काइनेटिक के दो पोस्टुलेट तो हमने फेल करें, एक अट्रैक्टिव फोर्सेस, एक वॉल्यूम। तो बी ने क्या बताया, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, और ए ने क्या बताया, अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल, समझ आ रही है। अब जितनी वैल्यू ए की होगी उतनी गैस को लिक्विफाई करना हमारे लिए आसान होगा कि नहीं होगा, आप बताओ जरा। जितने ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे गैसेस में, उसको लिक्विड में चेंज करना हमारे लिए इजी, ऑब्वियसली, बट ऑब्वियस है ये, तो इसमें तो कोई है ही नहीं,
अब अमोनिया एक पोलर गैस है, क्या हाइड्रोजन एक पोलर गैस है? तो किसकी वैल्यू ए की ज्यादा होगी? अमोनिया की। पोलैरिटी होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे तो ए ज्यादा होगा कि नहीं होगा? समझ आ रही है? ठीक है जी। इसके अलावा बेटे टेम्परेचर के वेरिएशन थे, प्रेशर के थे, वो अभी फिर सिलेबस में नहीं है। तो यू आर वेरी लकी वन, कितना सिलेबस तो सीबीएसई ने डिलीट कर दिया आपका सारा। क्यों कर दें? टर्म वन टर्म टू बना दिया आपके लिए, आपके चलो लास्ट ईयर के तो सीनियर छोड़ो, उससे लास्ट ईयर के सोचो सारे चैप्टर पढ़ के आते थे, अब सारी बुक आती थी उनको सारी। जियो सीनियर समझ आ गई बेटे रियल गैस इक्वेशन, ए और बी का सिग्निफिकेंस समझ आ गया आपको सबको? 35। हाँ जी बोलो बोलो क्वेश्चन, मैं सुन रही हूँ। बस हाँ, पी वी इक्वल टू आर टी वाला भी है मैंने बेटे भेजा है पूरा आपको, आप ना अपना ग्रुप देखा करो। क्या हाँ तो बी ए और बी ये बेटे इनको कहते हैं वंडरवॉल कांस्टेंट, ठीक है? ए भी वंडरवॉल कांस्टेंट है और बी भी वंडरवॉल कांस्टेंट है, क्योंकि रियल गैस को ही वंडरवॉल गैस इक्वेशन कहते हैं। ठीक है जी, रियल गैस इक्वेशन और वंडरवॉल गैस इक्वेशन, गॉट इट? एक ही बात होती है। ए और बी दोनों वंडरवॉल कांस्टेंट है, ए अट्रैक्टिव फोर्सेस बताता है, बी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बताता है। जो हमारी आइडियल गैस ने ना अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात करी थी ना उसने वॉल्यूम की बात करी थी, उसने एक्सक्लूड कर दिया था वो। समझ आ रही है? आइडियल गैस इक्वेशन कब आई थी? उसने जब कहा था कि जब हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तो अकॉर्डिंग टू बॉयज लॉ प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज करता है। ये आइडियल गैस है, आइडियल, कि जैसे मैं आइडली मैं सोचूं कि आज मैंने आपको लेक्चर दिया और आपको सब समझ आ जाना चाहिए और आप सियाने बच्चों की तरह घर पे जाके पढ़ के इसके क्वेश्चन करोगे। ये एक आइडियल स्टूडेंट है, पर एक्चुअल स्टूडेंट क्या है? मोबाइल उठाएंगे, इंस्टाग्राम चलाएंगे, व्हाट्सएप चलाएंगे, ये रियल स्टूडेंट्स हैं। समझ आ रही है? तो रियल स्टूडेंट्स के लिए, आइडियल स्टूडेंट के लिए टीचर प्यार से पढ़ाती है, रियल स्टूडेंट के लिए डंडे मारने पड़ते हैं। ठीक है जी, ये फर्क है। है ये रियल? आजकल तो वैसे ही बहुत ज्यादा रियल है, ऑफलाइन वाला आइडिया है। अच्छा हाँ, अगर आपने आइडियल स्टूडेंट बनना है, सुमित जी को कंसेप्ट समझ आ गया कि मोबाइल माइनस करना पड़ेगा, पढ़ाई ऐड करनी पड़ेगी, फिर वो आइडियल बन जाएगा। यही है, ये कंसेप्ट है ये वाला। वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस को ऐड करना पड़ेगा। हाँ वो आइडियल गैस इक्वेशन है। अब आपको आया कंसेप्ट समझ? ए की क्यों? क्योंकि उतने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएंगे। क्या बेटे V तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है? हाँ B तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, जो गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, दैट्स इट। A की वैल्यू हमेशा हायर होती है B से। B से नहीं आता बेटे, सिग्निफिकेंस ऑफ B यही है कि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है। बस इनफ इनफ
and tomorrow you are having the test of benzene. ठीक है जी, तो आपका टेस्ट वैसे शेयर होगा, मगर आपने टेस्ट यहाँ पे लेके आना है करके परसों. ठीक है जी, मैं यहाँ आपका जो ऑफलाइन बैठे हैं यहाँ चेक होंगे आपके. सेकंड थिंग, अब हम रिवाइज करना शुरू करेंगे. आपको बेंजीन अकेला आपको शेयर हो चुके हैं बेटे सिलेबस. योर सिलेबस कंसिस्टिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जिसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन है, और यही रिवीजन टेस्ट फर्स्ट में आना है हाइड्रोकार्बन. एक तो यही चैप्टर है. अभी करवाया था, अभी मैम हाइड्रोकार्बन से कितने नंबर का पेपर है? 9 marks पूरा मैंने शेयर किया बेटे आपको. राइट डाउन देन मार्क्स.